वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ आलू चना चाट मसाला। इसके लिए मैं ली हूँ काबली चने और इसको रात में भिगा कर रख दी। अगर रात में नहीं भिगा सके तो आप शाम के टाइम बनाते या इफ्तारी के लिए बनाना है तो सुबह में एक 5 घंटे के लिए भिगने छोड़ देना, तो ये फूल के मोटे हो जाते हैं और गलते भी आसानी से। ये 100 ग्राम है और मैं इसमें पानी जितना ये डूबने के उतना पानी डाली। और आलू को लिए मैं छोटे स्मॉल साइज के आलू है, 10 है ये। आप आलूओं को थोड़ा घटा या बढ़ा सकते हैं। पानी के लिए मैं कुकर में रख दिया और आलू डूबने के उतना पानी डाली, एक्स्ट्रा नहीं डाली मैं। अब इसको मैं ऐसा अरेंज करी आलू को और ऊपर बटाने चने हैं। एक 5-6 सीटी के बाद ढक्कन लगा के मैं फ्लेम को तेज़ करके कुकर को रख दी चूल्हे पे। एक 5 सीटी होने के बाद 5 मिनट धीमे पे रखने छोड़ देंगे, धीमे पे छोड़ देंगे। 5 मिनट धीमे पे छोड़ने के बाद इसको चेक करेंगे। अगर दो में से कोई एक चीज़ गल गई, एक नहीं गली, तो एक चीज़ निकाल के दूसरी चीज़ को अब और एक सीटी। 5 से 6 सीटी होने के बाद 5 से 10 मिनट पर धीमे पर छोड़ दी थी। अब इसको चेक करेंगे। काबली चने पूरे गल गए, थोड़ा पानी है इसका सुखा लेंगे और आलू भी गल गए, इसका छिलका निकाल के मोटा मोटा मैश कर लेंगे। देखिए चने भी अच्छे से गल गए और आलू भी अच्छे से गल गए। थोड़ा चने का पानी सुखा ले रही हूँ, आलू का छिलका निकाल के इसको मैश कर लेंगे। चने अच्छे गल से गल गए और इसमें थोड़ा पानी है, पानी को इसमें सुखा लेंगे और थोड़ा नमक भी इसमें जितना लगता चनों के हिसाब से नमक भी डाल देंगे, तो चनों में नमक का टेस्ट अच्छा आता, फीकापन नहीं रहता। चना चाट के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत है। एक मीडियम साइज की प्याज को मैं चॉप कर ली और एक बड़े टमाटे को चॉप करके रख ली और ये श्यो ली मैं मंगवाए, खारे की दुकान पे मिलता है ये। इसके बदले आप पापड़ी भी डाल सकते हैं। और ये नमक है और 2 टेबल स्पून गाढ़ा फेटे हुआ दही और इमली का पल्प निकाल के रख ली मैं। ये चिल्ली फ्लेक्स है, इसके जगह आप मिर्ची भी रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं, लाल मिर्ची डाल सकते हैं। ये सूखे जो मिर्ची रहते घर में बघार के उसको पीस के रख ली मैं चिल्ली फ्लेक्स बना के। चाहे तो आप रेड लाल मिर्ची डालिए। ये अनार के दाने हैं। अब मसालों में सिर्फ मैं डाल रहा हूँ ये बादशाह पंजाबी छोले मसाला। ये मसाला 2 टीस्पून फुल डालूँगी और ये चाट मसाला ये भी 2 टीस्पून फुल डालूँगी। अगर ये मसाले आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह भुने हुआ जीरा और धनिया, भुने हुआ रोस्ट किया हुआ और पाउडर बना के रख लेके आप वो डाल सकते, 2 टीस्पून डाल सकते, और काला नमक 1 टीस्पून इसकी जगह वो भी डाल सकते। चलिए आलू गलने के बाद मोटा मोटा मैश करके मैं रख लिया आलू को और इसमें काबली चने डालेंगे। चना सख्त नहीं रहना थोड़ा भी, अच्छा सॉफ्ट गल जाना, बिल्कुल खाने के बाद आराम से। देखिए अब इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते। नमक मैं छोलों में डाली थी, चनों में। ये छोले मसाला मैं अभी बताई, ये 2 टीस्पून। और ये चाट मसाला, आप यही बादशाह मसाला यही कंपनी का लेना ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी मसाले के कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मसाले डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, ये 1.5 है टीस्पून। दही
दही सर्व करते वक्त ऊपर से भी डाल दें, बस लोग वैसे भी पसंद करते हैं। अब इसमें डालेंगे इमली की प्यूरी। इमली का पल्प 3 टेबल स्पून फुल डालें में। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँ इसमें। अब इसमें हरा धनिया, कोथमीर और पुदीना बारीक कटी हुई। चलिए इसको सर्व करते हैं। चलिए इसको सर्व करते वक्त ऊपर से हल्की सी थोड़ी सी प्याज और इस पर टमाटर। प्याज टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा इस पर हरा मसाला। और इस पर डालेंगे शो। और थोड़े से अनारदाने डाल सकते हैं। लेमन का रस ऊपर से डाल के दे सकते। खट्टा चटपटा और मिठास के साथ हमारा चना चाट की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। ये रमज़ान के रोज़ों में जब हमारा टेस्ट बहुत फीका हो जाता, जब ऐसे चटपटे चीज़ें बहुत अच्छे लगते। चलिए मेरी चना चाट की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और एक बार ज़रूर ट्राई करिए। शुक्रिया।